एमजे मैजिक ग्रुप से आज हम आपको अच्छे और दिलचस्प जादुई कमाला दिखाएंगे और सिखाएंगे भी। आप लोग जो खेल देख रहे हैं वो गौर से देखें और इंशाल्लाह जादुई कमाला आपको पसंद आएंगे। ये देखिए मेरे पास एक सीक्रेट का पैकेट है जो कि बिल्कुल खाली है, ठीक है। ये देखिए मैंने इसे बंद कर दिया और ये देखिए खेल तो आपने देखा यकीन पसंद आया होगा। अब मैं इसका राज आप लोगों को बताते चल रहा हूं और उस पैकेट को बीच से आप इस तरह निकाल लीजिए और ये देखिए सिगरेट इसके अंदर से निकालने के बाद ये सिगरेट आपने निकाल ली ये और देखिए ये पैकेट मैंने नीचे थोड़ा सा काटा हुआ है तकरीबन इसके लेवल का। ये देखिए इसके लेवल का पैकेट को आप इस तरह काट लीजिए। इसको काटने के बाद दोबारा इस तरह पैकेट में लगा लीजिए। ये देखिए और तमाम सिगरेट इसके अंदर ये देखिए सिगरेट आपने इसके अंदर डाल ली। अच्छा एक बात ख्याल कीजिए खेल दिखाते हुए इस उंगली को दरमियानी रिंगली को इस तरह लगा लीजिए और दूसरे हाथ से आराम आराम इस तरह खींचे यकीनन कटा हुआ इसके ऊपर आएगा सिगरेट नीचे उसके बाद आप इसको इस तरह प्रेस कर दीजिए ये और थोड़ा सा फूंक मार के जरा स्टाइल दें उन्हें ये महसूस हो देखने वालों को कि शायद आप जादू कर रहे हैं। और ये देखिए ये जादू से सिगरेट तैयार और आप दोस्तों को हैरान कर दें क्यों है ना मजे की बात। थैंक यू। मैं इसको अब जला रहा बता दूं कि जो भी नोट आपको बनाना हो वो पहले आपके पास मौजूद होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये 100 रुपए का नोट है, ठीक है। और एक माचिस की डब्बी जरूरत है इसके लिए और एक पतंगी कागज बारीक कागज जो आसानी से जल जाए, ठीक है। देखिए सबसे पहले नोट को आप इस तरह फोल्ड करना शुरू करें। ये देखिए ये इस पोजिशन में पहले लंबा कर लीजिए नोट को, उसके बाद इसको सेंटर से इस तरह मोड़ लें और उसके बाद नोट की पोजिशन ऐसे बना लीजिए इस तरीके की, ठीक है, जो माचिस के अंदर इजी जो माचिस के नीचे इस तरह लगा दें। देखिए ये जिस तरह मैंने लगाया ए ये देखिए ताकि माचिस जब खुले तो ये साथ साथ इसे भी आ जाए ऐसे, ठीक है। और इस हिस्से को इस तरह करके यहां रख दीजिए। खेल दिखाते हैं सबसे पहले आप कागज उठाइए और आवाम को ये दिखा दीजिए कि देखिए मेरे ये दोनों हाथ खाली हैं। इस तरह दिखाने के बाद इस कागज को इस तरह फोल्ड कर लीजिए और ये माचिस को इन उंगलियों में दबा लीजिए, देखिए इस तरीके से। और सबसे पहले नोट खोलने के बाद आप इस तरीके से मुट्ठी फोल्ड कर लें मगर ये हिस्सा आपका अपनी तरफ होना चाहिए। उसके बाद माचिस निकालिए और जैसे ही माचिस जल जाए माचिस को ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए और ये देखिए कागज को ऊपर की तरफ कर लें ताकि आपका हाथ ना जल जाए, ठीक है। और जैसे ही कागज पूरा जल जाए आप इसको हाथ में लेकर नोट को आराम से इस तरीके हाथ में प्रेस खोल दे रहे हैं आराम से और जब तक हाथ ना रोके जब तक ये नोट पूरा ना खुल जाए। और ये देखिए 100 रुपए के नोट तैयार। क्यों आया पसंद आपको खेल? आप भी इस खेल को दिखाते चालाकी और होशियारी का मुजाहरा कीजिएगा, ठीक है, और बिल्कुल नहीं घबराइएगा, बहुत लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच। गिलास है जो कि बिल्कुल खाली, जिसको मैं पानी से भर रहा हूं तकरीबन इतना, ठीक है। और उसके बाद इस पानी को मैं रोकने की कोशिश करता हूं कि देखिए ये देखिए पानी बिल्कुल
सेंसिबल हो। और दोबारा देखिए, थैंक यू वेरी मच। पानी न गिरे, वो किस तरह देखने वाला बहुत हैरान रहता है कि पानी डाला और उसके बाद पलटते ही गिलास से पानी नहीं गिरा। तो देखिए, जब मैंने गिलास पकड़ा तो मैं एक बात आप लोग वजात कर दूं कि इस गिलास के साथ मेरे पास एक छोटा सा प्लास्टिक का पीस भी था जो मैं आप लोग दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, आप लोग नजर आ रहा है प्लास्टिक का पीस, ये मैं जब गिलास पकड़ रहा तो ये गिलास में मेरे साथ इस तरीके से था जो कि क्लोजअप कैमरे से या आंखों से नजर नहीं आता। उसके बाद जब मैंने पानी डाला, ये देखिए, पानी डालने के बाद इस हाथ को मैं इसके ऊपर आराम आराम से लाकर, ये देखिए, मैं ये इस तरह मैंने प्लेट दिया और हाथ की लेवल सतह बिल्कुल बराबर रखिए और एक साइड से छोटी इंग्लिश वाली साइड से हाथ को आराम आराम से हटाना शुरू करें। ये देखिए, और फिर बिल्कुल इस इंग्लिश को हटा लीजिए, देखिए पानी बिल्कुल नहीं गिरेगा, आ रही बात समझ में। और फिर उसके बाद इस हाथ को नीचे रखिए और हाथ को सीधा कीजिए और इसके साथ ही प्लास्टिक पीने में और पानी को पीकर दिखा दें, क्यों कैसा लगा खेला लोगों। अच्छा देखिए, एक बात मैं आप लोग बता दूं, इसके बनाने का तरीका ये होता है कि देखिए प्लास्टिक है, ये देखिए प्लास्टिक है, इसके ऊपर आप गिलास रखने में, जिस गिलास पर करना है पेन से निशान लगा लीजिए चारों तरफ और उसके बाद ये कैंची से इसको उसके हिसाब से काट लीजिए जो भी आपके पास गिलास है। और आप इसी तरीके से दिखा देते हैं, क्या ख्याल है, आया मजा इसके लिए सीखने में। थैंक यू वेरी मच। अच्छा दोस्तों, ये देखिए हमारे पास एक रेड कलर का रुमाल है, आपको छोटा सा रुमाल है नजर आ रहा होगा आपको, इसको हमने यहाँ पे गायब करना है बिल्कुल ऐसे, यानी कि दोनों हाथ आपने एम्प्टी शो करने हैं, खाली ये हाथ भी यहाँ से खाली, यहाँ से ठीक है। आप ये वाला हाथ भी लेते हैं यहाँ पे खाली दिखाना है, इधर से भी और इधर से भी, फिर ये हाथ खाली दिखाएंगे, फिर इसको रुमाल को यहाँ से निकालो, इस रुमाल को यहाँ पे ऐसे बंद करेंगे आप लोग, ठीक है, कोना नजर आ रहा है आपको, इसको आहिस्ता आहिस्ता फिंगर से ऐसे बंद किया बिल्कुल ऐसे, और थोड़ा सा मैजिक करेंगे इसको यहाँ से और यहाँ से, हाथ झाड़ के दिखा देंगे, फिर ऐसे दिखाएंगे, यहाँ से ये रुमाल आ जाएगा, फिर ये दिखा देंगे, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा दोस्तों, अभी आपने देखा ये वाला रुमाल का खेल, कि रुमाल हाथ में गायब हो गया था, कैसे हो गया था, छोटा सा रुमाल था, बहुत से लोगों का ये ख्याल होता है कि स्लीव में चले जाता है, जबकि आपने देख रहे होंगे मेरी हाफ स्लीव है, स्लीव का इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसकी एक गिमिक होती है, बहुत से लोग इसको माउटी भी बोलते हैं और ये गिमिक है, ये देख रहे हैं आप, ये रुमाल है ठीक है, और इसकी गिमिक जो है ये है मेरे पास इधर, ये नजर आ रही होगी आपको, ये एक थंब की शक्ल का एक हालो आपके सामने नजर आ रहा होगा, ये इसमें सुराख है, इसको अपने थंब के ऊपर ऐसे पहन लेंगे और इसको इस पोजिशन में रुमाल को आपने पकड़ लिया, किसी को नहीं पता लगेगा कि